कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज हमें कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहां पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहां पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जाम्पल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है क्योंकि YouTube से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर YouTube पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद एप्पल टीवी या फिर अमेजोन प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो वैसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी 3 दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है
और जिंदगी अपनी नज़र से जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जोहाई लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 इडियट्स देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 इडियट मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें कुछ सिखाती भी हैं। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है, 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज़ को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफ़ी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो, उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है क्योंकि YouTube से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर YouTube पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहले मैं आपको ये बताता हूँ
कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो YouTube पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को Amazon Prime Video, Apple TV और Google Play Movies और TV वहाँ पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद Apple TV या फिर Amazon Prime Video हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो ऐसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiots मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें कुछ सिखाती भी हैं। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 Idiots है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों YouTube पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी YouTube पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 Idiots जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं।
तो वहां पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जाम्पल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो। उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है। अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद एप्पल टीवी या फिर अमेजोन प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफी बढ़िया बनाई गई है, काफी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो ऐसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रेंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीजों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नजर से जीता है। साथी में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रेंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रेंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiots मूवी आप जरूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें
जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज हमें कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहां पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहां पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जाम्पल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि Amazon Prime Video, Disney Plus Hotstar या G5 Netflix। कहीं बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कहीं बार वो काफी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है। अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को Amazon Prime Video, Apple TV और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद Apple TV या फिर Amazon Prime Video हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफी बढ़िया बनाई गई है, काफी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज देखने का नजरिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मजे के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नजरिया अलग अलग है। तो ऐसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी 3 दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीजों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नजर जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं,
अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जोहाई लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उससे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiot मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें कुछ सिखाती भी हैं। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 Idiots है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 Idiots जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है, 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज़ है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि Amazon Prime Video, Disney Plus Hotstar या G5 Netflix। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को YouTube राइट्स दे देते हैं तो वो YouTube पर मूवीज़ को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफ़ी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स YouTube पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है, क्योंकि YouTube से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो ख़त्म हो जाती है कि अगर YouTube पर इस फिल्म को डालेगा और फिर TV वालों को बेचेगा, ये बात अलग है। अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले TV और YouTube तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर YouTube पर वो डाल देगा तो TV पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो YouTube पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को Amazon Prime Video, Apple TV और Google Play Movies और TV वहाँ पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद Apple TV या फिर Amazon Prime Video हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी।
फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो ऐसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथी में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वाले अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने यह मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 इडियट्स देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 इडियट मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें कुछ सिखाती भी हैं। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है
बारहवीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसकी दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो। उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है। अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद एप्पल टीवी या फिर अमेजोन प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो वैसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथी में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने यह मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको तीन दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiots मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज हमें कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 Idiots है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं
तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। थ्री इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है, इसकी जो IMDB रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है, 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो, उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो खत्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद एप्पल टीवी या फिर अमेजोन प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो वैसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे, इसे खुशनुमा बनाया था। जिनमें से एक रेंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रेंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रेंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जोहाई लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म थ्री इडियट्स देखने में
दिलजस्त है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको तीन दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो थ्री इडियट मूवी आप जरूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम थ्री इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों YouTube पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी YouTube पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। थ्री इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है, 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज़ है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज़ को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफ़ी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो ख़त्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहाँ पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद एप्पल टीवी या फिर अमेजोन प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि
हर लोगों का जो मूवीज देखने का नजरिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मजे के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नजरिया अलग अलग है। तो वैसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 इडियट्स देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 इडियट मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों YouTube पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी YouTube पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जाम्पल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है, 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो
यूट्यूब पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफी महंगे बिकते हैं। अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है। अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद एप्पल टीवी या फिर अमेजोन प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है, और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो वैसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं, और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है, और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है, क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथी में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जोहाई लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं, और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiots मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज हमें कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 Idiots है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं
लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों YouTube पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है? क्या ये मूवी YouTube पर कभी नहीं आएंगी? इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। थ्री इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है, 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो। उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है। अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन? तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद एप्पल टीवी या फिर अमेजोन प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफी बढ़िया बनाई गई है, काफी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो वैसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीजों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नजर से जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जोहाई लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 इडियट्स देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा
प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको तीन दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो थ्री इडियट मूवी आप जरूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज हमें कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम थ्री इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। थ्री इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहां पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहां पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जाम्पल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज़ को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफ़ी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है, क्योंकि YouTube से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो ख़त्म हो जाती है कि अगर YouTube पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो YouTube पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो, Apple TV और गूगल प्ले मूवीज और TV वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद Apple TV या फिर Amazon प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो ऐसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है
और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है, क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र से जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है, इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiot मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें कुछ सिखाती भी हैं। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 Idiots है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 Idiots जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है, जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है, 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज़ को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफ़ी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो, उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है क्योंकि YouTube से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो ख़त्म हो जाती है कि अगर
YouTube पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा। ये बात अलग है अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले, टीवी और YouTube, तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर YouTube पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहेंगे दोस्तों, तो YouTube पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को Amazon Prime Video, Apple TV और Google Play Movies और TV वहाँ पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद Apple TV या फिर Amazon Prime Video हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो ऐसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र से जीता है। साथी में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं। अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उससे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiot मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें कुछ सिखाती भी हैं। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 Idiots है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों YouTube पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी YouTube पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 Idiots जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहां पर भी लोग अपने
ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई बारहवीं फिल्म है, बारहवीं फैल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफ़ी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो। उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो ख़त्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है। अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद एप्पल टीवी या फिर अमेजोन प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मजे के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो ऐसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथी में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उससे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने यह मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiots मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें
जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज हमें कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम थ्री इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों YouTube पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी YouTube पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। थ्री इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं, यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जाम्पल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो YouTube पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स YouTube पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है क्योंकि YouTube से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर YouTube पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और YouTube तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर YouTube पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो YouTube पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो, Apple TV और Google Play मूवीज और TV वहाँ पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद Apple TV या फिर Amazon प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मजे के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो वैसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रेंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रेंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं,
अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पड़ने वाले अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने यह मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiots मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज हमें कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 Idiots है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 Idiots जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहां पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहां पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है, 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसकी दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को YouTube राइट्स दे देते हैं तो वो YouTube पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफ़ी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स YouTube पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो YouTube पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो, Apple TV और Google Play मूवीज और TV वहाँ पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद Apple TV या फिर Amazon प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी।
फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो ऐसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने यह मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 इडियट्स देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको तीन दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 इडियट मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें कुछ सिखाती भी हैं। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDB रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है
बारहवीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफ़ी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो। उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है। अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद एप्पल टीवी या फिर अमेजोन प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो वैसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथी में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiots मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें
कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है, 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद एप्पल टीवी या फिर अमेजोन प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफी बढ़िया बनाई गई है, काफी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मजे के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो वैसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी 3 दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीजों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नजर से जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जोहाई लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी
करने की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 इडियट्स देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 इडियट मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स है जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है, 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज़ को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफ़ी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है, क्योंकि YouTube से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर YouTube पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहाँ पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद एप्पल टीवी या फिर अमेजोन प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी।
फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है, और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो वैसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं, और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है, और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जोई लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 इडियट्स देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं, और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 इडियट मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है, और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जाम्पल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है
बारहवीं फैल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो। उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है। अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो YouTube पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को Amazon Prime Video, Apple TV और Google Play Movies और TV वहाँ पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद Apple TV या फिर Amazon Prime Video हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो वैसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र से जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जोई लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiots मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें
कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहां पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहां पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जाम्पल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है क्योंकि YouTube से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर YouTube पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो YouTube पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो, Apple TV और Google Play मूवीज और TV वहाँ पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद Apple TV या फिर Amazon प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो ऐसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी 3 दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे, इसे खुशनुमा बनाया था। जिनमें से एक रेंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र से जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रेंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रेंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी
करने की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiots मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें कुछ सिखाती भी हैं। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 Idiots है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 Idiots जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जाम्पल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है 12वीं फैल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि Amazon Prime Video, Disney Plus Hotstar या G5 Netflix। कहीं बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज़ को डाल सकता है, लेकिन कहीं बार वो काफ़ी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविज़न राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पर यह बात तो ख़त्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है। अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को Amazon Prime Video, Apple TV और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद Apple TV या फिर Amazon Prime Video हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी।
फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो ऐसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र से जीता है। साथी में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उससे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiot मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज़ हमें कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 Idiots है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों YouTube पर यह मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी YouTube पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 Idiots जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है
इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जाम्पल हाल ही में आई बारहवीं फिल्म है, बारहवीं फैल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफ़ी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो। उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो ख़त्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है। अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद एप्पल टीवी या फिर अमेजोन प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मजे के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो ऐसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथी में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उससे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर ये मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 Idiots देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 Idiot मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज हमें
कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम थ्री इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। थ्री इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDB रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहां पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहां पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई बारहवीं फिल्म है, बारहवीं फैल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को YouTube राइट्स दे देते हैं तो वो YouTube पर मूवीज को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफ़ी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स YouTube पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पर यह बात तो खत्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है। अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो YouTube पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो, Apple TV और Google Play मूवीज और TV वहाँ पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद Apple TV या फिर Amazon प्राइम वीडियो हो सकती है क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि हर लोगों का जो मूवीज़ देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नज़रिया अलग अलग है। तो वैसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो 3 साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जॉय लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी।
इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 इडियट्स देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको 3 दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है, जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 इडियट मूवी आप ज़रूर देखिए। कई बार हम मूवीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम बाद उस फिल्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में दोस्तों ज़रूर होती है जिनसे हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी मूवी जो कि हमें ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देती है। मैं आज आपको ऐसी एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो शायद दोस्तों आपके भी विचार बदल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी आप देखे ही देखे वरना आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मूवीज़ होती है एंटरटेनमेंट के लिए और कई बार वो मूवीज हमें कुछ सिखाती भी है। इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे इसका नाम 3 इडियट्स है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म अवेलेबल है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए हैं लेकिन शायद आपको ये फिल्म नहीं मिली है। तो क्यों यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगी, इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 इडियट जो कि 2009 की बॉलीवुड फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी और रोमांस शामिल है। इसकी जो IMDB रेटिंग है वो 10 out of 8.3 की है और जो रॉटेन टोमेटोज है जो कि गूगल की तरह ही काम करता है, वहाँ पर भी लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरे 100% मिले हैं। यानी कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस बिग पिक्चर्स ने। यहाँ पर अगर आप लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में जानते होंगे तो शायद आपका जो सवाल है इसका जवाब मिल गया होगा कि ये मूवी आखिरकार यूट्यूब पर क्यों नहीं है। तो विनोद चोपड़ा फिल्म्स जो है इनकी लगभग मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है। इसका सीधा एग्जांपल हाल ही में आई 12वीं फिल्म है, 12वीं फेल। इसके अलावा बहुत सी मूवीज़ है जो कि हमें यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती। इसके दोस्तों एक ही वजह होती है कि इसके जो राइट्स होते हैं वो सोल्ड हो जाते हैं कोई बड़ी कंपनी के पास, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या G5 नेटफ्लिक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई कंपनी को यूट्यूब राइट्स दे देते हैं तो वो यूट्यूब पर मूवीज़ को डाल सकता है, लेकिन कई बार वो काफ़ी महंगे बिकते हैं अगर फिल्म बड़ी हो तो उसके राइट्स यूट्यूब पर लेना जो है थोड़ा बड़ा डील हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मूवी आती है तो इसके टेलीविजन राइट्स पहले ही सोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो ख़त्म हो जाती है कि अगर यूट्यूब पर इस फिल्म को डालेगा और फिर टीवी वालों को बेचेगा, ये बात अलग है अगर कोई दोनों ही राइट्स को ले ले टीवी और यूट्यूब तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर वो डाल देगा तो टीवी पर देखेगा कौन। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फिल्म को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो मिलेंगी कहाँ। वैसे अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पर ये नहीं मिलेंगी। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और गूगल प्ले मूवीज और टीवी वहां पर देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए शायद एप्पल टीवी या फिर अमेजोन प्राइम वीडियो हो सकती है, क्योंकि वहां पर ये फिल्म आपको बहुत ही कम रेंट के साथ मिलेंगी। फिल्म वैसे दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, काफ़ी कुछ फिल्म से आपको सीखने को मिल जाता है। फिल्म के अंदर जो स्टोरी प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है और बहुत से लोग इस फिल्म को देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि
हर लोगों का जो मूवीज देखने का नजरिया होता है वो अलग होता है। कुछ लोग कुछ कॉमेडी सीन के लिए मूवीज को देख रहे हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ मजे के लिए देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का नजरिया अलग अलग है। तो वैसे में सब लोग जो है वो अलग अलग तरह से फिल्मों को देखते हैं और उनके ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कहानी तीन दोस्तों की होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हुए होते हैं और तीनों ने यहाँ पर अपनी यात्रा का आनंद लिया होता है और वो तीन साल उनकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल में से एक रहे थे। इसे खुशनुमा बनाया था, जिनमें से एक रैंचो है जो अपनी कक्षा में अव्वल आता है क्योंकि वह नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमेशा कुछ नया सोचता है और जिंदगी अपनी नज़र जीता है। साथ ही में जो इंजीनियरिंग है इनके प्रति रैंचो का हल्का फुल्का दृष्टिकोण कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिन्हें छात्र प्यार से वायरस कहते हैं, अब इनकी शक्तिशाली अलग होती है। रैंचो वायरस से आईसी छात्रों पर पढ़ने वालों अध्ययन दबाव के बारे में बात करता है। जब जोहाई लोबो नामक एक छात्र प्रोजेक्ट की समय सीमा पूरी करने के कारण से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे कठोर रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। शूटिंग से पहले फिल्म की जो रिहर्सल शुरू हुई थी और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग और लुक टेस्टिंग हुई थी। इस मूवी को बनाने में काफ़ी वक्त दोस्तों लगा था। उस टाइम पर यह मूवी जब आई थी तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने ये मूवी पसंद की थी। फिल्म 3 इडियट्स देखने में दिलचस्प है और अभिनव है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न कॉलेजों की शिक्षा प्रणालियों के दबाव की स्थिति को आदर्श रूप से जान सकता है, जो कि शिक्षा प्रणालियों की संरचना में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिल्म आपको तीन दोस्तों की कहानी से रूबरू करवाती है जो कि तीनों ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं और तीनों का सपना भी अलग अलग होता है, लेकिन मजबूरी उन्हें सब कुछ करवाती है। ऐसा क्या इस फिल्म में है वो तो आप इस मूवी को जब देखेंगे आप जान जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो 3 इडियट मूवी आप जरूर देखिए।